जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। मेलबर्न में पिछले हफ्ते क्वाड समूह के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को लेकर जो चिंताएं उभरी हैं वे कई बेवजह नहीं हैं। क्वाड के सदस्य देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत सभी चीन की बढ़ती विस्तारवादी गतिविधियों से चिंतित हैं। पिछले एक दशक में दक्षिण एशिया प्रशांत क्षेत्र और खास तौर से दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां आक्रामक ढंग से बढ़ी हैं। इससे सभी देशों के लिए चुनौती तो बढ़ ही रही है, साथ ही क्षेत्रीय शांति भी खतरे में पड़ती जा रही है। इस लिहाज से मेलबर्न में क्वाड विदेश मंत्रियों के संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। इस बैठक की बड़ी उपलब्धि यह रही है कि चारों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को भी साथ लेकर चलने का काम संकल्प किया। ऐसा इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटना किसी एक देश के बूते की बात है नहीं, इसलिए चीन से निपटने के लिए कई देश एकजुट हो रहे हैं। क्वाड के गठन के पीछे असल मकसद भी चीन की घेराबंदी करना ही था। पैरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक महाशक्तियों की जोर आजमाइश का नया केंद्र बन गया है। यह भी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जैसे समुद्रों पर आधिपत्य कायम करने के बड़ी और ताकतवर देशों की महत्वाकांक्षा है। सामरिक दृष्टि से भारत के लिए हिंद महासागर की खास अहमियत है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए प्रशांत महासागर का अपना महत्व है। दक्षिण चीन सागर भी इसी में पड़ता है। इन दोनों महासागरों से गुजरने वाले जलमार्ग से वैश्विक व्यापार का 30% से ज़्यादा व्यापार होता है। ऐसे में चीन क्यों नहीं चाहेगा कि यहाँ उसकी ही सत्ता चले। इसीलिए वह वर्षों से दक्षिण चीन सागर में अपने सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा है। यहाँ के जल मार्गों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए उसने ऐसे समुद्री यात्रा कानून थोप दिए हैं जो दूसरे देशों को नागवार गुजर रहे हैं, जबकि कायदे से दुनिया के सभी जल मार्गों के लिए संधियाँ संयुक्त राष्ट्र के नियमों के तहत बनी हैं। पर चीन यहाँ किसी की नहीं सुन रहा, इससे टकराव और बढ़ रहा है। इसलिए क्वाड देशों की बैठक में यह सहमति बनी है कि इन महासागरों को चीन से बचाना है। पैरा, जहां तक सवाल है भारत का, तो क्वाड देशों में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। इस चौगुटे के सदस्य देश भली भांति समझ रहे हैं कि बिना भारत को साथ लिए चीन से मुकाबला कर पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। वैसे भी भारत हर तरह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का साथ देता आया है। इस बैठक में आतंकवाद का भी मुद्दा उठा। भारत के लिए बड़ा हासिल यह रहा कि बैठक के बाद जारी साझा बयान में चारों देशों ने मुंबई हमले के गुनाहगारों को न्याय के कटघरे में लाने, सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान में चल रहे आतंकी नेटवर्कों को खत्म करने का संकल्प दोहराया। गौरतलब है कि भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वाड के सदस्य भारत के इस संकट को महसूस भी कर रहे हैं। हालांकि इस बैठक को लेकर चीन की बौखलाहट भी सामने आ गई। यह बैठक चीन के लिए इस बात का भी संदेश है कि भारत
जापान या ऑस्ट्रेलिया अब अकेले नहीं रह गए हैं, सब मिलकर उसकी चुनौतियों से निपटेंगे। स्टॉप पैरा आपराधिक गतिविधियों उपद्रवी तत्वों पर नकेल कसना राज्य सरकारों का दायित्व है, मगर इस जिम्मेदारी की आड़ में जब सरकारें वैमनस्यता की भावना से काम करना शुरू कर देती हैं और किसी खास समुदाय या वर्ग के खिलाफ नाहक कड़ाई से पेश आने लगती है तो उन पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को इसी वजह से काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी और अब सर्वोच्च न्यायालय की फटकार भी सुननी पड़ी है। दरअसल योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में उनकी संपत्ति जब्त कर वसूली का नोटिस जारी कर दिया था। 833 लोगों को उपद्रवी बताकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और करीब 250 लोगों को वसूली का नोटिस भेजा गया। हालांकि नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन कोई उग्र नहीं था, मगर चूंकि योगी सरकार को सरकार का किसी भी प्रकार का विरोध बर्दाश्त नहीं, वह भी अगर अल्पसंख्यक समुदाय विरोध कर रहा हो तो उसे वे किसी रूप में पसंद नहीं कर सकते थे, इसलिए आंदोलनकारियों पर नकेल कसने की मंशा से उन्होंने यह कड़ाई की थी। पैरा सर्वोच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार तुरंत जुर्माना रद्द करे, नहीं तो वह खुद उसे रद्द कर देगा। स्टॉप। इस वक्त विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी है और इस माहौल में सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश योगी प्रशासन को असहज करने वाला है। हालांकि यह अकेला मामला नहीं जिसमें योगी सरकार ने ऐसे मनमाने कदम उठाए। कृषि कानूनों के विरोध में उठे आंदोलन को दबाने के लिए भी उन्होंने लगभग यही तरीका अपनाया था, जिसमें बहुत सारे किसानों से वचन पत्र भरवा लिया गया था अगर वे आंदोलन में गए तो उन्हें कठोर दंड का भागी बनना पड़ेगा। बहुत सारे किसानों पर मुकदमे लाद दिए गए। अनेक मौक़ों पर खुद मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से घोषणा करते फिरे कि अगर किसान नहीं सुधरे तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। स्टॉप। उनके ट्रैक्टरों को तेल देने से मना कर दिया गया, फिर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के तर्क पर उन्होंने पुलिस को इस कदर मुक्त हस्त कर दिया कि वे किसी भी अपराधी को बिना चेतावनी के गोली मार देने को स्वतंत्र हो गए। मुख्यमंत्री ने खुद इसे अपनी ठोको नीति बताया। पूरे 5 साल इसी तरह उनका डंडे पर भरोसा अधिक देखा गया। पैरा। देश का संविधान किसी को भी चाहे वह प्रचंड बहुमत से बनी सरकार ही क्यों न हो, यह इजाज़त नहीं देता कि वह डंडे के बल पर नागरिक अधिकारों को कुचलता फिरे। सरकार की किसी नीति या फैसले से किसी भी नागरिक को असहमत होने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, मगर योगी सरकार को यह अधिकार किसी को देना गवारा न हुआ। इसके चलते प्रदेश में निरंतर ऐसी घटनाएं होती रहीं जिनमें पुलिस निर्दोष नागरिकों को भी मौत के घाट उतारने से बाज नहीं आए। विचित्र है कि नागरिकता कानून के विरोध को दबाने के लिए ऐसे लोगों पर भी जुर्माना ठोक दिया गया जिनका वर्षों पहले इंतकाल हो चुका था, तो कुछ की उम्र 90 पार हो रही थी। ऐसी अंधेर गर्दी पर सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी समझी जा सकती है। इस तरह असहमति की आवाज़ों को दबाकर लोकतंत्र को जीवित नहीं
रखा जा सकता। इससे पहले भी कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय यह रेखांकित कर चुका है। पूर्ण विराम।